ओके फ्रेंड, आज आपको बताने वाले कि मास्टर सिलेंडर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होती है और क्या क्या चीज़ें आती है। ओके ठीक है, आज भी खोल के दिख रहा होगा, ये पुराना तो अंदर कचरा होगा और नया होगा, रिपेयर करने लेंगे आप तो इसके अंदर कचरा नहीं होगा। बट आपको है ना, जो ये अंदर रबर दिख रहे हो इसको आप चेंज कर लो। ओके और मेन चीज़ के ये आप इसके अंदर वॉल है वो आपको ज़रूर से साफ करने, ठीक है। ये अंदर दिख रहा है, ये दो और यहाँ भी दो हो गए, और ये दो भी करना पाइप वाले, क्योंकि इसमें भी कचरा हो सकता है। ओके उसकी वजह से कि आपकी एयर भी नहीं निकलने में प्रॉब्लम हो सकती है और आपका पेडल भी नहीं आ सकता अच्छे से, ठीक है गाइस। तो पहले तो ये दो साफ कर लो। और मेन कि इस पंप में, इस पंप के अंदर ये वाला है ना ऊपर वाला भाग, जो ये पिस्टन पहले वाला फिरता है, उसकी वजह से यहाँ गड्ढा पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ एक खड्डा हो जाता है, इसकी वजह से क्या आप जितना भी नए वाइसल भी डाल दो तो भी पैडल आ नहीं रहा, ठीक है। एयर की प्रॉब्लम रहेगी और पैडल भी हट जाएगा, ये सब होने वाला है इसके। तो आप पहले तो चेक कर लो कि इसके अंदर खड्डा है कि नहीं, एक उंगली लगा के चेक कर लो कि कौन सी बाजू है, कोई भी साइड हो सकता है, या भी, ठीक है। ये मेन इसका रीज़न है कि आपको एक वीडियो बनाना पड़ा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा।